ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एक ऐसी रीडिंग के साथ आए हैं जो कि आप सबको पता है कि आज है 7 जुलाई, और ये रीडिंग मैं 2 दिन पहले बनाना चाहती थी बट हो नहीं पाया, सो आई थॉट आज ही मैं आपको ये बता देती हूँ। आज है 7 जुलाई, यानी कि 77 पोर्टल। 77 पोर्टल होता क्या है मैं आपको पहले बता देती हूँ, जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बताना चाहती हूँ कि 77 पोर्टल का मतलब होता है कि वो डेट जिसमें आप मैनिफेस्ट करें वो चीज़ें जो आपकी लाइफ में नहीं हैं। आपको अगर कुछ पाना है, सपोज़ आप कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, लाइक UPSC है, नीट है, एनी एग्ज़ाम, आपका जो भी एक टारगेट है, आपके माइंड में कुछ है, आप उस एग्ज़ाम के लिए क्या एफर्ट चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, वो आप पहले से ही मैनिफेस्ट करें, जैसे कि आपका वो हो चुका है एंड हाउ यू आर फीलिंग देन। सो 77 पोर्टल पे आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, ऐसी चीज़ों को, एक अच्छे करियर को, अच्छे रिलेशनशिप को। अगर हेल्थ में इश्यूज हैं तो आप सोचें कि आई एम परफेक्टली फाइन, आई एम गुड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जो भी दिक्कत आप फेस कर रहे हैं उसके लिए। सो आज हम जो रीडिंग बनाएंगे, पहले तो मैंने आपको बताया कि आपको इस एनर्जी में रहकर ये वीडियो देखनी है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या ये 77 पोर्टल आपके लिए लेकर आ रहा है इन लव एंड करियर, करियर में आपके लिए कैसा रहने वाला है एंड लव में आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग होने वाली है जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें पता लगेंगी। सो लव में और करियर में व्हाट दिस 77 पोर्टल इज ब्रिंगिंग फॉर यू, और बहुत यूनिक वीडियो होने वाला है ये, ठीक है। सो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और मैनिफेस्टेशन ज़रूर करें, अपने आप को इमेजिन करें उसी सिचुएशन में जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। एटलीस्ट आप पॉजिटिव रहेंगे, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। दूसरा, ये एक जनरल रीडिंग होगी, ठीक है, बट अगर आप इसे पॉजिटिव माइंड फ्रेम से देखेंगे तो आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी से हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। एक लास्ट बात कि जिसने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो जेमिनी यानी कि मिथुन राशि फ्रेंड्स, 77 पोर्टल क्या लेके आ रहा है आपके लिए लव एंड करियर में, सो जानने की कोशिश करेंगे इन कार्ड्स के थ्रू क्या दिख रहा है न्यू। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके करियर से, करियर में क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या चेंजेस हैं, क्या आपको एग्जैक्टली करना चाहिए। एग्जिस्टेंस, कंट्रोल एंड एडवेंचर। देखिए जेमिनी, आप जो चीज़ें अभी तक करते आ रहे हैं अपने करियर में वो बहुत अच्छी करी हैं, करियर वाइज यू हैव आउट परफॉर्म्ड, बहुत आपने अच्छा किया है, इनफैक्ट इतना अच्छा कर दिया कि एक टाइम के बाद अब आपको समझना पड़ा कि मुझे रुकना चाहिए। बट 77 पोर्टल इज़ आस्किंग यू टू टेक मोर रिस्क, टू डू समथिंग विच इज़ न्यू, कुछ अपनी लिमिट्स को टेस्ट करने की कोशिश करें। मे बी आप पहले बहुत अच्छे से कर रहे थे चीज़ों को, बट फॉर सम टाइम आपने उन चीज़ों पे एक, जैसे कहते हैं ना, एक कंट्रोल कर लिया, आपने उसे रोक लिया, आप उसे बंद कर दिया करना। बट चेंज योर अप्रोच वंस अगेन, ट्राई टू डू थिंग्स, कोशिश करें कि अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, नहीं तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे अगर आप करियर में। सो चेंज योर अप्रोच, दिस इज़ व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू करियर वाइज, एंड चाहे वो आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, या जो भी, टेक मोर रिस्क, आगे बढ़िए और प्रॉब्लम से, तकलीफ़ों से मत घबराइए, नो अब कोई कंट्रोल नहीं करना है, ठीक है। लव लाइफ में आते हैं आपकी लेजीनेस, द मास्टर एंड मैच्योरिटी। देखिए लेजीनेस का कार्ड है जो कि नंबर 9 है, द मास्टर है, और मैच्योरिटी का, ये जो कुछ भी आपके रिलेशनशिप में हुआ है ये सब डिवाइन ने ही रचा था, और कहीं ना कहीं ये कोई पास्ट कर्मा था जो आपको मिलना था और मिल गया। नो मैटर हाउ मच यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन योर लव लाइफ, जो कि दिख रहा है, जिसकी वजह से आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस अपने लाइफ के
लेज़ी होकर इस टाइम छोड़ दिए हैं भविष्य पर, आप कुछ भी नहीं कर रहे। देखिए, इस पूरे फेज़ ने, इस पूरी चीज़ ने आपको बहुत मैच्योर बनाया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस तरह चीज़ों को डीले करने से सोल्यूशन नहीं निकलेगा। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप इन चीज़ों को डीले मत करें। आप अगर डीले ही करते जाएंगे तो इस 77 पोर्टल में जो मैनिफेस्टेशन से आ रहा है कि आप अपने फ्यूचर को मैनिफेस्ट करें, एक ऐसे फ्यूचर को लव लाइफ में जहाँ पर आपके साथ अच्छा हो, आपके पास एक अच्छा पार्टनर हो जो आपको अंडरस्टैंड करे, जो आपकी बातों को समझे, जो आपको वो वहाँ पर सपोर्ट करे जहाँ आपको ज़रूरत हो, सुख में और दुख में। सो मैच्योर आप हो गए हैं, समझदार आप हो गए हैं, डिवाइन का पूरा आपको सपोर्ट है। लेकिन डिसीजंस में आपकी तरफ से जो ये डीले होता जा रहा है कंटिन्यू, उस डीले को माइंड से हैंडल करें। अगर आप दिल के हाथों बहुत ज़्यादा मजबूर हैं कि आपको लग रहा है कि हाँ भाई मुझे भी कुछ नहीं करना है या वगैरह है, मैं क्यों करूँ, वही करे या करेगी, ऐसे वाले जोन में अगर आप हैं तो आप अपने बारे में सीरियस होके सोचें, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, आपको वक्त के साथ चलना ही होगा। ठीक है, सो ये मुझे दिख रही है जेमिनाय आपकी लव एंड करियर की रीडिंग फॉर 77 पोर्टल। अब मैं आपके लिए एक जनरल गाइडेंस निकालूंगी जिसमें कि मैं ये देखना चाहूंगी कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, एक ओवरऑल गाइडेंस इस 77 पोर्टल की। ट्रम्फ का कार्ड है, देखिए वक्त आपके साथ है और नंबर 7 का ही कार्ड है, तो नंबर 7 आपको ये कहना चाहता है कि हर बुरे समय के बाद एक अच्छा समय ज़रूर आता है। भले ही अगर अभी आप थोड़े तकलीफ़ में हैं, स्ट्रेस में हैं, चीज़ें आपके पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में उतनी अच्छी नहीं चल रही, ये एक टेम्पररी फेज़ है। ठीक है, इसे आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और ना ही कोई ऐसा गलत डिसीज़न लेना है जिसकी वजह से आपको आगे जाकर रिग्रेट करना पड़े। सो जो भी आपने सोचा है, जो भी आप करने की सोच रहे हैं, लाइफ आपको हारने तो नहीं देगी। ठीक है, नेक्स्ट इज न्यू बिगिनिंग्स। बट अब आप इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट करते हैं, न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, जीत आप ही की होगी, आपको सिर्फ अपनी अप्रोच चेंज करनी है। जो आप डीले कर रहे हैं, जो आप लेजीनेस में चल रहे हैं, वहाँ से अब आपको बाहर निकलना है और अपने लिए एफर्ट्स करने हैं, वो भी सीरियस वाले एफर्ट्स, और अपने काम करते जाइए। ठीक है, सो ये है जेमिनाय आपकी रीडिंग एंड आई होप कि इस 77 पोर्टल्स में आए आपकी लाइफ में बदलाव आपको समझ में आ गए हों और आपको क्या करना है ये भी पता चल गया हो। सो रीडिंग अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ रीडिंग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।